हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पॉलीनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, जो क्लास 9th पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी हैं, नहीं भी करें तो आपको समझ आ जाएगा, बट स्टिल मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 11x² - 88x³ + 14x⁴। इसमें बोला है ये कैसा पॉलीनोमियल है। पहली बात, इसमें टर्म्स कितने? 1, 2 और 3। तीन अगर हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, लेकिन पॉलीनोमियल बोला है। ट्राइनोमियल अगर होता तो बस वहाँ डैश करके छोड़ देता, क्योंकि यहाँ डैश पॉलीनोमियल बोला है। दैट मीन्स ये होगा आपको पावर के हिसाब से देखना। यहाँ पावर कितना है वेरिएबल में? 2। यहाँ पावर कितना है? 3। यहाँ पावर कितना है? 4। तो मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं, और ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो पहला का आंसर क्या हुआ? बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बहुत ही सिंपल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मैक्सिमम पावर 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेट का मतलब 2 होता है, और अगर डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, और डिग्री 0 हो मतलब कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं। ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा क्वेश्चन बोला है 7x³ y⁻¹⁰ z². इसमें देखिए तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये पूरा एक ही टर्म है। इसकी डिग्री मांग है कि डिग्री क्या होगा, तो इसकी डिग्री क्या होती है? एक ही टर्म है, तो वेरिएबल पे पावर आप देख लीजिए, 3 + 10 = 13 + 2 कितना होगा? 15। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। थर्ड नंबर में आते हैं, क्वेश्चन में बोला है द एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल। देखिए जो पॉलीनोमियल है वो एक्सप्रेशन है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलीनोमियल है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू या फॉल्स बोला है। जैसे हम बोलो √x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलीनोमियल नहीं है। दैट इज सारे एक्सप्रेशन क्या नहीं है? पॉलीनोमियल नहीं है, लेकिन जो जो पॉलीनोमियल है वो क्या है? एक्सप्रेशन है। मेरी बात आपको शायद के समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सब इजी क्वेश्चन से ऐसे करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सॉल्व करना है तब भी ईजी है वो। थर्ड तक हो गया, अब आते हैं 4 में। बहुत ही आसान मैंने इसको चूज किया है। अभी 4 में क्या बोल रहा है बताइए? ए है आपका 3x² + 5x - 3, और बी आपका गिवन है 5x² - 7, तो चाहिए 2a - b। तो बताइए 2a - b क्या होगा? 2a कितना है? 3x² + 5x - 3। b कितना है? 5x² - 7। 2 से सारे के सारे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 6x² + 5 × 10x - 6 - 5x² + 7। दैट इज 6x² - 5x², सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1x² + 10x - 6 + 7 क्या आएगा? +1। तो आंसर क्या हुआ? x² + 10x + 1 कितना आया बताइए? x² + 10x + 1। थोड़ा मैं वेरीफाई भी करते जाऊँ, बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a + b + c 0 इफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आप जानते ही होंगे। अगर आप ये सब जानते हैं तो आप फॉरवर्ड कर दें, स्किप कर जाएं सारा, या इसको न देखें, खुद ही करने की कोशिश करें। देन a³ + b³ + c³ = what? एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा बताइए? होता है a + b + c (a²+b²+c²-ab-bc-). ये फार्मूला है या आइडेंटिटी बोले इसको। ये आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होगा? इतना को इतना से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर a + b + c 0 हो जाए, क्वेश्चन में बोला है a + b + c क्या? 0। दैट इज a³ + b³ + c³ - 3abc। 0 × something पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स a³ + b³ + c³ - 3abc उस पार जाएगा, तो क्या होगा? +3abc।
तो ये सिंपल सी बात है, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। यहाँ पे abc का वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कि ए क्यूब प्लस बी, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, तो ये 3abc होगा, ये होगा 3 × 1 × 2 × -3। क्यों? चूंकि 1, 2, 3 तीन और प्लस तीन और माइनस तीन ये ऐड करके जीरो हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो उतना ही वैल्यू होगा, अलग से निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे दोनों का सेम आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये आप जानते ही होंगे डायरेक्ट रिजल्ट, जो आप पहले से जानते होंगे, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बताइए, फैक्टर्स ऑफ एक्स पे पावर 6 माइनस वाई पे पावर 6। इसके फैक्टर्स है, मतलब इसको फैक्टराइज करना है बेसिकली। ये क्या होगा बताइए, मैं लिख सकता हूँ उसको एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, आइडेंटिटी है। क्या होता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका क्या हो गया आइडेंटिटी। तो लिख सकते हैं इसको क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, डायरेक्ट ये एक आइडेंटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको याद रखना है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। आपका आंसर अगर मैच ना करे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने इसको फैक्टर्स में लिख दिया, दैट मीन्स इसमें चार चार फैक्टर्स आ गए, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, बस फॉर्मूले का खेल है, आइडेंटिटी का खेल है, जो आप पहले से ही अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एलसीएम क्या चाहिए बताइए, एलसीएम चाहिए किसका, रूट टू एक्स और दूसरा कितना, रूट एट एक्स पे पावर 7 वाई पे पावर 2। तो एलसीएम में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं, जैसे बोलूं कि 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा, ये 2 पे पावर 2 है, ये 2 पे पावर 3 है। तो एलसीएम के केस में हम सेम अगर बेस होता है ज़्यादा पावर वाला लेते हैं, और एचसीएफ के केस में कम पावर वाला लेते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके थ्योरी को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, या मैं थ्योरी के अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा आप कहेंगे तो, ठीक है। तो इसका एलसीएम चाहिए बताइए, रूट टू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, रूट टू पे पावर 1 है और एक्स पे पावर 1 है, वाई नहीं है तो वाई पे पावर कितना है 0। यहाँ पे क्या होगा, रूट टू पे पावर 3, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट एट आ जाएगा, एक्स पे पावर 7 और वाई पे पावर 2। और एलसीएम अगर चाहिए तो बेस सेम है तो कौन सा लेंगे, रूट टू पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 1 एक्स पे पावर 7 एक्स पे पावर 7 वाई पे पावर 0 वाई पे पावर 2 वाई पे पावर 2। अगर ये नहीं भी लिखते तो आपको बस जो वाला नहीं है उसको नहीं देखना है, जो है वो ले लेना है बस, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 8 एक्स पे पावर 7 वाई पे पावर 2 ये आंसर होगा, 8 एक्स पे पावर 7 वाई पे पावर 2, 8 मतलब नहीं सॉरी रूट 8, ठीक है। एलसीएम के केस में आप बेसिस सेम कर देंगे, जो ज्यादा वाला पावर है उसको आप चूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात, 7 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एलसीएम में हम लोग ज्यादा वाला पावर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 क्या कह रहा है, एचसीएफ, एचसीएफ में कम वाला पावर वाला लेंगे, तो आप जानते होंगे एट के एस सी एफ ऑफ क्या निकालना है, एच सी एफ किसका, 44 ए क्यूब 66 बी पे पावर पी, है ना, बी पे पावर पी ए पे पावर 4। और एस सी एफ गिवन है इन दोनों का, इन दोनों का क्या गिवन है, एस सी एफ ये गिवन है 22 ए क्यूब, किस किस का, 44 ए क्यूब का और 66 बी पे पावर पी ए पे पावर 4 का। जो एच सी एफ है वो गिवन है 22 ए पे पावर क्यूब, तो पी क्या होगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बताइए क्या होगा, 44 को क्या लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं 11 × 4 या 2 पे पावर 2 × 11, देखिए 11 4 का 44 होता है और ये ए क्यूब, ठीक है,
कोई बात नहीं। दूसरा क्या होगा, 66 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 11 66, ए पे पावर 4, बी पे पावर पी। एस सी एफ कितना है, 22 ए क्यूब, देखिए 2 पे पावर 2 है या 2 पे पावर 1 है, तो एस सी एफ कितना हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा 2 पे पावर 1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 11 है, 11 है तो क्या आ जाएगा 11, यहाँ 3 है या नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ ए पे पावर 3 है, ए पे पावर 4 है तो क्या लेंगे, ए पे पावर 3, यहाँ बी पे पावर पी है, यहाँ बी वाला कोई टर्म ही नहीं है तो बी वाला टर्म छोड़ ही देंगे, तो कितना आएगा 22 ए क्यूब। मतलब ये पी पे डिपेंड ही नहीं किया कि एस सी एफ 22 ए क्यूब, 22 ए क्यूब पी का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर दें, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 22 ए क्यूब ही होगा। पी इज एनी रियल नंबर, एनी नंबर, या अगर ये पॉलिनोमियल की बात करें तो एनी होल नंबर लिखना ज़्यादा बेटर होगा, एनी होल नंबर, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है तो इसको भी पॉलिनोमियल होने के लिए पी को क्या होना पड़ेगा, कोई भी होल, पी को कोई भी आप होल नंबर पुट कर दें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एस सी एफ क्या आएगा, 22 ए क्यूब ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, समझ आ गया होगा इतना मैं उम्मीद करता हूँ, अगर मेरी उम्मीद सही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर आप जो सोच रहे हैं ना कि हम लोगों को समझ आया, वो आप ठीक सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर गलत है, ठीक है, क्या नहीं क्या लिखा पता है, इसका फैक्टर चाहिए तो उसको फैक्टराइज कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स बचेगा यहाँ माइनस वन, प्लस वन कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या हो गया कॉमन, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिंपल है, कोई भी एक फैक्टर आप आंसर में लिख सकते हैं क्योंकि बोला वन ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, द कोशेंट ऑफ 8x क्यूब, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, द कोशेंट ऑफ 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको 2x से, तो कोशेंट क्या होगा ये मांगा है, ठीक है, जो कोशेंट होगा उसको मांगा है, तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, बताइए यहाँ 2 है यहाँ 8 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x से x क्यूब है कितना से x स्क्वायर से, 8 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8x क्यूब, कितना हो जाएगा 4 दुना 8x क्यूब, अब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या उतरेगा बताइए माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब आप बताएं कि 2x है और यहाँ पे 7 है तो यहाँ प्लस 2 है या माइनस 7 है, सबसे पहले तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, अब कितना हो जाएगा माइनस, अगर 7 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7 बाई 2 यहाँ एक्स स्क्वायर है तो और x भी चाहिए तो माइन 2x इंटू 7 ओवर 2x, 2 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा कैंसिल हो गया, क्या उतरेगा 5x प्लस 8। उसी तरीके से कितना से ऐड करें, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओवर 2x से, दैट इज यहाँ 2 2 कैंसिल, x तो नहीं चाहिए क्योंकि 5 ओवर 2 क्या 2x इंटू 5 बटे 2 2 कैंसिल 5x आ जाएगा 5x, ये घटेगा ये कैंसिल क्या उतरेगा 8, यही 8 क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और आपका क्वेश्चन क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2, क्या आ गया बताइए 4x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2, बिल्कुल सही है, आप इसको अच्छे से करें नोट डाउन, ठीक है बाबू सब डन। चलिए टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, वैसे इतना टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा क्योंकि आसान आसान क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है डिवाइडेड बाय 80x क्यूब, किसको डिवाइड करना है 80x क्यूब 55x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 172 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो इसको प्रोसेस करके कुछ रिमाइंडर आएगा कुछ क्वेश्चन आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका जो जीरो है इसका जीरो क्या है बताइए x प्लस 2 का जीरो कितना होगा माइनस 2, दैट मीन्स अगर आप माइनस 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसके जीरो को अगर आप डिविडेंड में पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, आप चाहे पूरा लॉन्ग डिविजन मेथड से करें
ठीक है, या आप रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करें। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिवाइजर का जो जीरो है, यहाँ पे डिवाइजर का जीरो कितना -2, इस -2 को आप यहाँ पुट कर देंगे, जो रिजल्ट है वही आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बोलिए, रिमाइंडर हो जाएगा 80 × -2³ + 55 × -2² / 2 + 20 × -2 + 172। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो है -288। ठीक है, तो डिवाइजर के जीरो को डिविडेंड में पुट करेंगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट वेरी रिजल्ट इज बेसिकली अ रिमाइंडर। ठीक है, आप चाहें तो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा डिविजन के मेथड से निकालें, या आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये जो आपका डिवाइजर है वो फैक्टर है, उसी का नाम हो जाएगा फैक्टर थ्योरम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है। क्या है क्वेश्चन, 6x² + x - 2। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला और आपका ये, इतनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -12x². वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका सीखना है। जैसे मैं लिखूँ 6x², इसको क्या लिखूँ 4x - 3x + x ही आएगा। ये स्प्लिट जो हुआ, इसमें एक टर्म हुआ 4x और दूसरा हुआ -3x, ये कितना होगा -12x². ये दोनों अगर सेम आ गया तो समझ जाइए आप जो मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं वो काम की बात किए हैं, वरना गलत, सॉरी। तो क्या होगा, देखिए 6x या 4x, या क्या कॉमन 2x, या क्या बचेगा 3x, या क्या बचेगा 2। -1 कॉमन ले लीजिए, 3x + 2, 3x + 2 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ 2x और यहाँ -1। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको क्या करें, उतार लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ, 13 नंबर, एलसीएम निकालना है और एससीएफ निकालना है। क्या दिया हुआ, 15x³ y³ z और दूसरा 3x³ yz² इसमें भी आंसर कुछ गलत है एससीएफ का, शायद देख लीजिएगा। इसका एलसीएम और एससीएफ निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे HCF। तो LCM कितना होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5x³ y³ z⁻¹। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 है और तो कुछ है नहीं, 3x³ yz² LCM में क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख दिया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो इंटू क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे x³ है x³ लिखेंगे, यहाँ y³ है y है, तो ज्यादा वाला पावर लेंगे, यहाँ z1 है z2 है, तो क्या लेंगे z2 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 15x³ y³ z² और SCF में क्या होगा, SCF में होगा, देखिए 3 है 3 ले लेंगे, ऊपर 5 है नीचे नहीं है छोड़ देंगे, x³ है तो x³ लेंगे। ठीक है, y³ है y है तो छोटा वाला लेंगे, z1 है z2 है तो क्या लेंगे z1 लेंगे। तो हो जाएगा 3x³ yz, शायद इसका आंसर गलत है, देख लीजिएगा। SCF में कम पावर वाला लेते हैं और LCM में ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। SCF में जो नहीं होता है एक टर्म वाला एक टाइप का, उसको छोड़ देते हैं और LCM में ले लेते हैं। ठीक है, यही आपको ख्याल में रखना है। वैसे आप पूरा का पूरा अगर अच्छे तरीके से करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, ये एकदम आपको मैंने एक आसान तरीका बता दिया। ठीक है, अब बताइए 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रवाना, 13 हुआ, 14 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, 14 में क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है व्हेन x⁻¹ इज डिवाइडेड बाय, ऐसे बना हुआ नहीं है, इज डिवाइडेड बाय x⁻²। बताइए इसको अगर करें तो हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत दूर तक जाएगा, तो इसका रिमाइंडर निकालना है। बस क्या निकालना है, रिमाइंडर क्या होगा क्वेश्चन में बोला, और यहाँ पे कुछ कोशेंट आएगा। तो मैंने बताया था इसका जीरो क्या होगा, 2 − 2 जीरो होता है, x − 2 को आप जीरो पुट कीजिए तो x कितना आया 2, इसके जीरो को आप यहाँ पुट कर देंगे तो वही आपका क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज नथिंग बट कि डिवाइजर के जीरो को डिविडेंड में पुट कर देना, क्या हो जाएगा 2 पुट कर दिए, 2 पे पावर क्या हो गया 15, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अगर आप प्रोसेस करके करेंगे तो भी आपका यही रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत माथापेची है, उसको करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, समझे ना, चलिए 14 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
के फाइंड द रिमाइंडर इफ एक्स पे पावर 5 सेम क्वेश्चन है माइनस 3x³ प्लस 5x+1 सेम टाइप का क्वेश्चन है सेम नहीं इज डिवाइडेड बाई 2x-1 क्या चाहिए फिर वही के रिमाइंडर क्या होगा तो आपको इसका जीरो निकालना है 2x-1 बराबर जीरो तो 2x=1 दैट इज x हाफ तो x को अगर आप हाफ पुट करेंगे यहाँ पे 2 × ½-½ तो जीरो आ जाएगा इसके जीरो को आपको डिविडेंड में पुट करना है तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर दैट इज ये होगा हाफ पे पावर 5 − 3 × ½³ प्लस 5 × ½+1 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 101/32 ठीक है ये आप खुद कर सकते हैं समझे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर दिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है a प्लस बी माइनस 2√ab और इसका स्क्वायर रूट है और क्वेश्चन में कह दिया है कि रूट ए बड़ा है किससे रूट बी से तो इसको अगर सॉल्व करें ये बेसिकली क्या है रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2√ a√b क्या फॉर्मूला होगा x² + y² − 2xy क्या होगा बोलिए x² + y² − 2xy क्या फॉर्मूला होगा x − y का होल स्क्वायर या ये y − x का भी होल स्क्वायर हो सकता है अगर y² को पहले लिख देंगे x² को बाद में तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव मतलब अगर x − y पॉजिटिव आ रहा है तो x − y का होल स्क्वायर लिखेंगे और y − x अगर पॉजिटिव आ रहा है तो y − x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इस केस में देखिए रूट ए बड़ा है रूट बी से तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो √a − √b लिखें या √b − √a तो पहले किसको लिखेंगे जो बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव का ही स्क्वायर हमको लेना है तो क्या हो जाएगा √a − √b का होल स्क्वायर बस आप इतना जाने कि अगर यहाँ पे रूट बी बड़ा होता रूट ए से तो पहले क्या लिखते आप रूट बी और बाद में क्या लिखते रूट ए तब ये कैंसिल होता तो होगा √a − √b ठीक है अगर क्वेश्चन में क्या होता है √b > √a तो आपका आंसर होता है √b − √a दोनों में फर्क ठीक है इसका आप ख्याल अच्छे तरीके से रखें 16 तक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग 17 में चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस देखिए दो सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक ही होगा क्यों देखिए एक ax + ay आपने लिखा ये मान लेते हैं आपका कोई भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए अगर x और y को अगर इंटरचेंज कर दें x के जगह y लिख दें और y के जगह x क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं उसी तरह से दूसरा अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा bx + by इन दोनों का जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा ना जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आप देखेंगे x और y के प्लेस को अगर आप इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो भी सिमेट्रिक ही आता है तो आंसर क्या होगा इसका सिमेट्रिक सिंपल क्वेश्चन था 18 नंबर अच्छा क्वेश्चन है ठीक है इसमें बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं शायद नहीं भी कर सकते आप अच्छे बच्चे हो तो सारे अच्छे बच्चे हैं वैसे क्वेश्चन ने बोला स्क्वायर रूट ऑफ ए पे पावर एम स्क्वायर इंटू बी पे पावर एन स्क्वायर आप एक बार जान लें 2 × 3 × 2 और 2 × 3 × दोनों में डिफरेंस है ये है आपका 2 × 3 = 8² और ये 2 × 3² = 9 इसका वैल्यू 64 आएगा इसका वैल्यू 512 आएगा ठीक है तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो ये ए पे पावर 2m नहीं है ए पे पावर एम स्क्वायर है तो आपको क्या चाहिए स्क्वायर रूट दैट इज ए पे पावर एम पे पावर 2 × b / n/2 स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ दैट इज एम स्क्वायर पे भी पावर हाफ है और बी पे पावर एन स्क्वायर पे भी पावर क्या हाफ है तो एम स्क्वायर और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा m² / 2 × b / n² / 2 ठीक है तो आंसर क्या होगा ए पे पावर देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए पे पावर बिल्कुल सही है आप समझ पा रहे होंगे शायद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19
19 में क्या कह रहा है देखिए, 19 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए एक्स क्यूब, ए का वैल्यू चाहिए और बोला है कि एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस टू। डिविजिबल का मतलब है कि इसको प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर जीरो आएगा। तो बताइए इसका जीरो क्या है, x माइनस टू को आप जीरो पुट कर दें तो x बराबर टू आएगा, तो इसका जीरो टू है। इस टू को यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो गिवन है। क्यों जीरो है, क्योंकि बोला डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ टू पुट करेंगे, टू पे पावर थ्री माइनस 8 इंटू टू पे पावर टू प्लस 2 इंटू टू प्लस ए इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस दो दूना चार, आठ है 32 प्लस 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपको ए का रिजल्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा कुछ यूँ, ए का वैल्यू 20 नज़र आएगा आपको, ठीक है, ए का वैल्यू 20। तो ए का वैल्यू अगर आप यहाँ 20 पुट करें, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो बाद में आपका रिमाइंडर जीरो आएगा ही। ये आप करके देख सकते हैं, अगर चाहें तो काउंटर चेक करें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, 19 हो गया क्वेश्चन नंबर, कहीं पे भी समझने में परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 फैक्टराइज करना है, ए पे पावर 5b माइनस ए बी पे पावर 5, ठीक है। अब ए बी, ए बी दोनों में क्या हो, कॉमन नहीं होगा, यहाँ क्या बचेगा, ए पे पावर 4, यहाँ क्या बचेगा, बी पे पावर 4। तो बेसिकली क्या है ये, ए बी ए स्क्वायर पे पावर 2 माइनस बी स्क्वायर पे पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये तो और फैक्टराइज फर्दर नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल ए इज, ए की डिग्री है 7 और ए बी की जो डिग्री है वो है 56। फाइंड द डिग्री ऑफ बी, ए का 7 है तो बी का क्या होना पड़ेगा बताइए, क्योंकि पावर से ऐड होता है तो यहाँ कितना होना पड़ेगा, 56 माइनस 7 दैट इज 49। तब तो 49 इसका होगा पावर, इसका पावर 7 होगा, 7 प्लस 49 56 होगा। तो ए की डिग्री 7 है तो बी की डिग्री कितनी होनी पड़ेगी, 49। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं, 21 हो गया, अब 9 क्वेश्चन शायद बचे, 22 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, ए इतना दे, ए और ए भी निकालना है, सिंपल है भाई, क्या ए एक्स क्यूब और बी है आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब इंटू 4x स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, फिर प्लस एक्स क्यूब को किससे, माइनस 1 से। तो क्या हो जाएगा, 4x पे पावर 3 दो 5 प्लस x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था बस, कोई बात है क्या इसे। तो ए बी आपका निकल गया कितना, ए बी निकल गया कितना कितना, 4x 5 प्लस x 4 माइनस एक्स क्यूब, बिल्कुल सही है। 22 हो गया क्वेश्चन 23, 23 में फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एम पे पावर 7 प्लस एम पे पावर 4, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एम पे पावर 4, यहाँ क्या बचेगा, एम पे पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1, 1 मतलब 1 क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो याद रख लें, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम पे पावर 4 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, ठीक है। अब देख लीजिएगा, बहुत सिंपल था ये, 23 हो गया, 24 में आइए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है 1/6 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4/3। इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें या 1/6 को कॉमन ले सकते हैं, वो अगर तरीका आपको पता है तो, 6 या ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 6 ए 3 दुना 6 2 4 दुना 8 कितना हो जाएगा, 1/6 ए स्क्वायर माइनस 6 ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4 ए माइनस 2 ए माइनस 6 ए आ जाएगा, मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया, 8 इंटू ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 ए, ये भी क्या होगा, 8 ए स्क्वायर, ठीक है। ए कॉमन क्या हो जाएगा, ए माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, ए माइनस 4 ए माइनस 4 ए माइनस 4 क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए यहाँ 2, सिंपल सा है, तो आप खुद ही कर रहे होंगे, मैं बस ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखें, ठीक है। 24, 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है इफ 3x स्क्वायर प्लस
आठ ए एक्स प्लस थ्री, ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ए का क्या वैल्यू होगा। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, जनरली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसे जानने की कोशिश करेंगे, जनरली कि अगर मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे। देखिए ये क्या है, रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, रूट सी का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होना पड़ेगा, टू ए बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। एक्स कितना है आपका, रूट ए एक्स, और ये क्या होना चाहिए, रूट सी। दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम लोग रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड, टू रूट ए सी एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर, वही है ना। लेकिन एक्स के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है, बी, और यहाँ क्या मल्टीप्लाइड, टू रूट ए सी। दैट मीन्स बी को क्या होना पड़ा, यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है टू रूट ए सी, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तभी तो ये होगा ना, ये होगा रूट ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। हमने पहला टर्म और लास्ट टर्म को बदला नहीं, और x भी हमने वहीं पे उस प्लेस में रखा, बस b के प्लेस में हमने देखा क्या आना पड़ेगा, टू रूट ए सी, या आप इसमें पावर कर दे, बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, फोर, ये हो जाएगा ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी अगर वाला, बी स्क्वायर बराबर अगर फोर ए सी आ रहा है, तो समझ जाइए ये परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, तो बी कितना है यहाँ पे, बी है आपका आठ ए, तो 8a का स्क्वायर बराबर 4a कितना है 3 और c कितना है 3, तो यहाँ से a निकल जाएगा 64, a स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 तिया 36, दैट इज ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 16 और 4 9 36, दैट इज a स्क्वायर बराबर हुआ 9 बटे 16, दैट इज a बराबर होगा 9 बटे 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो a हो गया प्लस माइनस 3/4, तो ए का वैल्यू आप प्लस 3/4 पुट करें या माइनस 3/4 पुट करें, दोनों ही के केस में ये परफेक्ट स्क्वायर देगा। एक में देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, एक में देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप। आपको कंडीशन याद रखना है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो, तो बी स्क्वायर बराबर होना पड़ेगा 4ac, तब यह परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही वाला मैंने इस्तेमाल किया, अगर आपको समझने में परेशानी हुई तो मुझे ज़रूर आप बताएं। चलिए ये तो हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है, फैक्टर्स बोला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, बस फार्मूला है। 26 में क्या है बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसके क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, बस इसका जो फार्मूला है वो लिख दीजिए, वही फैक्टराइज हो गया, वही आपके फैक्टर्स हो गए, सिंपल सी बात है। 27 में SCF निकालना है, 27 में क्या निकालना है, SCF क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस 7, ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस 11, एक ये वाला है आपके पास, दूसरा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यह ए प्लस 11 का स्क्वायर। आपको देखना है बेस अगर सेम होगा तो जो पावर कम होगा उसको ले लेना है, तो यहाँ कम है, ये आपका एसीएफ निकल जाएगा, सिंपल है, 27 भी हो जाएगा। 28 में आपको क्या निकालना है, 28 में निकालना है 81 क्यूब माइनस 100 क्यूब प्लस 19 क्यूब। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पूरा का पूरा 81 क्यूब निकाल सकते हैं, 19 क्यूब 100 क्यूब सब निकालने के बाद जोड़ घटा के जो आंसर आएगा वो भी कर सकते हैं। या आप देखिए 81 प्लस यहाँ क्या माइनस 100 प्लस 19 सबको जोड़ के देखेंगे तो जीरो आएगा। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 81 क्या है, 81 क्यूब प्लस माइनस 100 का क्यूब प्लस 19 क्यूब, यही है ना, इसको जोड़ के जीरो आया। अगर ये a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू 81 इंटू माइनस 100 इंटू 19, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो इसका जो आंसर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वो क्या होता है, 3ABC, सिंपल सी बात है, ठीक है। 29 में a प्लस सी माइनस बी निकालना है, पहले a और c को जोड़ दें और फिर b उससे घटा दें। 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 11x प्लस by स्क्वायर, ये सिमेट्रिक होगा कब, ये सिमेट्रिक तब होगा जब x और y को चेंज करने के बाद, x और y के प्लेस को चेंज करने के बाद भी आपका जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 8x स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ अगर x को हटा के y कर दें तो क्या हो जाएगा, 11x नहीं होगा, 11xy। देखिए यहाँ पे अगर चेंज भी कर दें, जैसे यहाँ 8
एक्स स्क्वायर के जगह वाई स्क्वायर कर दें, यहाँ पहले मैंने एक्स के जगह वाई, वाई के जगह एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी वाई के जगह क्या कर दें एक्स, तो ये तभी मुमकिन है कि दोनों सेम होगा जब बी का वैल्यू क्या होगा, ये आठ होगा। अगर ये आठ होगा तो देखिएगा सेम हो जाएगा, दैट मीन्स कि बी अगर आठ हो जाए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जब एक्स और वाई के प्लेस को इंटरचेंज कर दें तब भी आपका एक्सप्रेशन सेम रहे, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये तभी पॉसिबल है जब बी का वैल्यू क्या हो, एट हो। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर और भी कुछ इस तरह के वीडियोस चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए या कोई थ्योरी चाहिए, वाट एवर यू वॉन्ट, वाट एवर यू नीड, है ना, कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, मैं उसको बनाने की, उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।